वो अभी सुबह हो गई है और हम जा रहे हैं आज अभी तैयार होने कि अभी देखो सब ऐसे पड़े हैं, अभी कुछ भी नहीं पैक किया, हमें पैक करना है यहाँ पर, सब कुछ पैक करना है और जाना है। और तो आज का हमारा प्लान है डे टू, और डे टू का प्लान जो है वो है कि सबसे पहले हमें जाना है वुडलैंड वाटरफॉल, जो कि हमने गूगल पे देखा था, काफ़ी बेहतरीन था और कुछ ब्लॉग्स में भी देखा था तो अच्छा लग रहा था। तो वुडलैंड वाटरफॉल जो कि नैनी लेक से 10 किलोमीटर, पूरा 10 किलोमीटर बता रहे थे, तो स्कूटी है हम पे हायर कर रहे, तो हम स्कूटी से जाने वाले हैं। उसके बाद हमारा प्लान है टिफिन टॉप जाने का, और अगर टिफिन टॉप जो कि वो भी अच्छी जगह है देखने में, वेदर देख के वैसी मोटिवेशन आ गया, भूख लग रही है, पहले कुछ खाना मंगाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना डे, एंड लेट्स स्टार्ट द डे। तो मजा आएगा, पूरी वीडियो देख के जरूर जाना, और आज का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कपड़े मैंने अच्छे पहने हैं। सो हम आ गए यहाँ पे तैयार होके, पूरा फिट होके, अब हम जा रहे हैं, ये रही स्कूटी, हमने बैकपैक कर लिया, अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल, वुडलैंड वाटरफॉल जो कि 10 किलोमीटर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेलमेट वाले पहन के सब चल रहे हैं। Hold on, just let us escape and fly away tonight. अभी यहाँ से 4.7 किलोमीटर दिखा रहा है वुडलैंड वाटरफॉल, जाते जाते व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। There's so many things that I keep in my mind. Like a furnace, there's a reason why I will live by the emotions I built up inside your body. तो हम वुडलैंड वाटरफॉल पहुंच गए हैं, हमें आधा घंटा भी नहीं लगा यहाँ पे वुडलैंड वाटरफॉल पे करने पहुँच, रास्ता पूरा खाली प्लस क्लीन था, बहुत मतलब मज़ा आया काफ़ी। पहुँच गए यहाँ पे, कोई पार्किंग की खासी स्पेस नहीं है, जो साइड में देखिए, साइड में हमने पार्क लगा रखा, ये हमारी स्कूटी हमने पार्क साइड में लगाया कारों के पीछे। तो भाई साहब कितने का है? क्या क्या दिन का राजा यही तो है तेरा बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल में गार्डन होता क्या पता तेरे को? तो तेरे को यहाँ भी दिख गई, ये देखो भाई, ये बस काफी ऊपर से गिरी है और यहाँ पे आके अटकी हुई है, काफी ऊपर से गिरी है, नैनीताल बस सर्विस। मेरे वीडियो में यहाँ लोग पैर डाल के बैठे थे यहाँ, हाँ ये है बात काफ़ी ठंडा पानी है, पैर डालने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये तो जा ही रहे हैं पैर डालने, और ये जाके वापस आ, कैसा भाई पानी कैसा है? बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा पानी है, तो काफ़ी ठंडा पानी है, मैं तो शायद नहीं जाऊँगा, मेरा मम्मी A few moments later. बनवाइए
तो हमारे पैर गीले हो चुके हैं, ये पत्ते से सुखा रहा है। मेरे पे दो जुराबे थे, एक जुराब सुखाऊंगा एक जुराब पहनूंगा मैं। तो अब हमने वुडलैंड वाटरफॉल कर ली, जो कि लग नहीं रहा था इतना अच्छा होगा, बट काफी अच्छा लगा हमें। और अब हम चार स्कूटी, मतलब मैं नहीं चाहता कहीं भी जाना, स्कूटी से जाओ यार, ट्रैफिक लग सकता है, बनने वाला चलाते हैं तो लग सकता है जाम, तो स्कूटी से आओ। कार अगर आप पे है तो भी मत आओ मैं कहूंगा, क्योंकि स्कूटी से सही रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं टिफिन टॉप, तो लेट्स सी मजा आएगा। दोस्तों अब लगभग 7.5 किलोमीटर की ड्राइव करके हम जा रहे हैं वुडलैंड वाटरफॉल से टिफिन टॉप। और अगर बात करें नैनीताल से, तो नैनीताल से टिफिन टॉप सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप पैदल भी जाना चाहते हैं नैना लेक से, तो भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता है, आपको लोगों से पूछ, मतलब गूगल पे दिख जाएगा, लेकिन गूगल पे दिखने के बाद भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता है, आपको लोकल लोगों से वहाँ पे पूछते पूछते जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाके खड़ी हो गई तो वापस आ जाएंगे, कर देंगे। चढ़ाई शुरू कर दी है और शुरू में तो ठीक लग रहा है, बाइक से बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट था। मैं तो सोच रहा था इसको भी चढ़ा देते हैं यार, बाइक से बड़ी हालत खराब हो रही थी। यार चढ़ा देते हैं यहाँ पे, चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार एंटॉर्क चढ़ी चढ़ी रही थी। हाँ एंटॉर्क थोड़ी गड़बड़ है। तो अब टिफिन टॉप स्टार्ट कर दिया हमने, पर यहाँ से सीन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब मेरी बाइक होती ना तो मैं चला रहा था। 1:23 हो रहे हैं, 1:23 बज रहे हैं, हम निकल चुके हैं और अभी तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई दिख रही है और कुछ नहीं है। चलो चढ़ रहे हैं, ये देखो खड़ी चढ़ाई इधर, खड़ी चढ़ाई। स्कूटी से आने यहाँ पर रास्ता थोड़ी डिफिकल्ट है, तो देख लें कोई कंफ्यूज ना होना। थोड़ी सी आगे आके यहाँ पे पानी आ गया है, क्योंकि रात में बर्फ़ पड़ी होगी तो पानी आ रखा है यहाँ पर। खड़ी पर भाई ये शॉर्टकट, मिंट खोल दी किसी ने। जी बिल्कुल, आप यहाँ के लोकल हो? लोकल हो यहाँ के? हाँ सब गुरु लग रहा है। फट ये भाई शॉर्टकट से लेके आ रहे हैं, तो ये काफी बड़ा है। दोस्तों टिफिन टॉप पे जाते टाइम हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हमें कुछ लोग मिल गए थे जो यहाँ के लोकल थे, और वो हमें 3-4 शॉर्टकट से लेके आए, जिसकी वजह से हम, जो कि अगर हम नॉर्मल रास्ते जाते तो हमें 1-1.5 घंटा लगता, वो सिर्फ आधे घंटे में हमने पूरा सफ़र कर लिया।
ये रहा टिफिन टॉप, ये नैनी लेके, हाँ नैनी लेके, वो लाइब्रेरी है। और शायद ये वाला यहाँ से कहीं वो है आपका चाइना पीक, ये चाइना पीक, चाइना पीक मेरे ख्याल से इस साइड है। अच्छा वहाँ पे आपका चाइना पीक है, यही तो है सामने यार। अबे ये सामने ला भी, ला पानी की बोतल ले। दोस्तों टिफिन टॉप से गवर्नर हाउस भी दिख रहा था और नैना लेक का भी कुछ पार्ट दिख रहा था तो, और नज़ारे काफ़ी अच्छे थे और हम इसमें देख ही रहे थे जब तक कि यहाँ के जो लोकल भाई हैं उन्होंने कहा कि चलो हम आपको इससे भी अच्छी एक जगह है वो दिखाते हैं, तो हमने कहा चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अब हम टिफिन टॉप इंजॉय कर चुके हैं, अब टिफिन टॉप के बाद हम जा रहे हैं क्लिफ 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 और काफ़ी अजीब सी ये रास्ता है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग है। ये रास्ता है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक है, तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, आधा पौना किलोमीटर होगा, लेकिन व्यू उधर भी रास्ता है, उधर भी व्यू पॉइंट। एक ऊपर हमने व्यू पॉइंट देख लिया, नीचे एक क्लिफ है तो वहाँ जा रहे हैं। ये ऊपर से हम पूरा वहाँ से चल फिर क्या है? मजा आ रहा है भाई, सही है यार, यहाँ पे शांति है थोड़ी। ये ज्यादा अच्छा लगा, ये बेटर प्लेस लगा, काफी अच्छा लगा ये पूरा। ये एपिक प्लेयर है, एपिक प्लेयर है, एपिक प्लेयर। दोस्तों वाकई ये जगह काफी खूबसूरत है और शांत है, और यहाँ पे हमें इतनी शांति और इतना सुकून मिला कि हम यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर रहे। शाम होने लगी थी तो हमें यहाँ से जाना पड़ा, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन हमें खुशी थी कि यहाँ से सिर्फ हम यहाँ की शांति, नज़ारे और खूबसूरती नहीं लेके जा रहे, यहाँ से हम लेके जा रहे हैं कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छी यादें, क्योंकि इसी ने कहा है कि पहाड़ों की यादें इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती, और जब यादें इतनी हसीन हो तो भुलाना चाहेंगे भी नहीं। We'll be right back.
है।